नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों ने अपना अपना तूफानी जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दयालबाग क्षेत्र के वार्ड नंबर 62 और कमलनगर के वार्ड नंबर 87 से निर्दलीय प्रत्याशी जनता से रूबरू होकर क्षेत्र में पसरी अव्यवस्थाओं को दूर कराकर जनता का दिल लुभाने में जुटे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में दयालबाग वार्ड 62 और वार्ड नंबर 87 के निर्दलीय प्रत्याशी काजल बंसल और निर्दलीय प्रत्याशी भरत शर्मा ने भी अपना तूफानी जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है। साथ ही उनका कहना है कि क्षेत्र की जनता उन्हें इस वर्ष अवश्य पार्षद की कुर्सी पर बैठाने का कार्य करेगी। साथ ही भरत शर्मा और वार्ड नंबर 87 के प्रत्याशी पतिवर पवन बंसल ने बताया कि वह लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं, परंतु पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है, लेकिन उन्होंने निर्दलीय दावेदारी ठोककर अपनी जीत का परचम लहराने की भी बात कही है। मैं कंचन बंसल वार्ड 87 से घुड़के बक्से में निर्दलीय खड़ी हुई हूँ। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी विकास के बारे में अगर बात की जाए तो प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी? सबसे मेन समस्याएं हैं पानी की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, नाली की समस्याएं। मैं जा रही हूँ प्रचार करने जा रही हूँ तो सारे लोग जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, पर उनकी समस्याएं मुझे दिख भी रही हैं कि सच में ही इतने सालों से अपने इस समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये मुझे अच्छे भारी बहुमत से जिताएं तो मैं इनकी जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करूँ। आज आपने किन किन क्षेत्रों में भ्रमण किया है, कहाँ का आपने वोट मांगे हैं जनता से? मैंने ब्रजधाम, गोकुल धाम, कृष्णशरण, भैरव रेसिडेंस, अमिता विहार। जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। क्या अपील करना चाहिए? मैं अपील यही करना चाहूंगी मुझे अच्छे बहुमत से जिताएं, इसलिए मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जिस समस्याओं से आप 15 साल से जूझ रहे हैं उसका मैं निवारण कर सकूं। उच्च कोटि में पार्षद रह चुके हैं, फिर भी क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, तो क्या लगता है उन लोगों ने काम नहीं कराया? शायद नहीं कराया है, जब भी जनता परेशान है इसलिए वो चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं क्षेत्र की जनता बदलाव चाह रही है। देखिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी जरूर हूँ, लेकिन विगत 15-16 साल जो ये वार्ड है, जो क्षेत्र है, उसमें लगातार मैंने काम किया, चाहे कोरोना का पीरियड हो और चाहे वो नाली सड़क तरंगी की लड़ाई हो, तो मैंने लगातार काम किया। तो मुझे चेहरा ऐसा नहीं कि मुझे बताने की जरूरत है, मैं कहूँ कि मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो ओके टेस्टेड मामला है, मैं तो लगातार क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जनसंपर्क चल रहा है, उसमें जनता हाथों हाथ ले रही है और जनता में बेहद आक्रोश भी है एक व्यक्ति विशेष के लिए, संगठन के लिए नहीं, एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत आक्रोश है कि इतना बड़ा निर्णय क्षेत्र के हित में ना लेकर एक व्यक्ति विशेष ने एक अपने जेवी व्यक्ति के लिए ले लिया। क्या लग रहा है दयालबाग क्षेत्र की जनता इस बार आपको जिताकर भारतीय जनता पार्टी में तमाचा बनने का कार्य करेगी? नहीं, संगठन को कोई तमाचा नहीं है, उस व्यक्ति विशेष को तमाचा पढ़ना बहुत जरूरी है। जी पवन जी, निर्दलीय प्रत्याशी है इस बार और भाजपा को करारी शिकस्त देने के लिए किस प्रकार का एजेंडा आपने तैयार किया है? हमारा एजेंडा सिर्फ क्षेत्र के विकास का एजेंडा है, हमारा क्षेत्र की जनता की समस्याओं का हमारा एजेंडा है, क्षेत्र की जनता जिन परेशानियों से परेशान है उनको दूर करने का हमारा एजेंडा है। पार्टी हमारी पार्टी है, इससे हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमारी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारा प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है, मैं कंचन बंसल को चुनाव लड़ा रहा हूँ। मैं बाजार में चर्चा है कि आप निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ? पार्टी हमारी है, पार्टी से थोड़ी नाराजगी है, रास्ता बदला हुआ है, कहीं और जाना नहीं है, अपने घर में जाना है, लेकिन पार्टी ने थोड़ा सा जो टिकट दिया उसका सर्वे सही अच्छी तरीके से नहीं किया। पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि अच्छी तरह सर्वे करके समाज क्षेत्र में सही उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। लगातार जनसंपर्क चल रहा है, जनता का किस प्रकार का माहौल दिख रहा है? जनता का बहुत अच्छा माहौल है, जनता बहुत परेशान है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता का एक ही भाव है कि हमें क्षेत्र में बदलाव चाहिए, जब तक बदलाव नहीं होगा तो कुछ अच्छा नहीं होगा, इसलिए क्षेत्रीय जनता हर हाल में बदलाव चाहती है। फूल का बाग वार्ड नंबर 87 के निर्दलीय प्रत्याशी पति पवन बंसल ने बताया क्षेत्र में उन्होंने पूर्व में भी कई विकास कार्य कराए हैं जिससे जनता खुश नजर आ रही है, इसी कारण जनता ने उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतार कर उनको जिताने का कार्य अवश्य करेगी और उन्हें नगर निगम में पहुंचाने का भी कार्य करेगी। प्रातः न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट है।